हम लोग अभी निकले हैं मुंद्रा के लिए, आधा घंटा जैसा लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते में रिकवर कर लेंगे। आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स बना रहा है, स्पाई यूनिवर्स। एक करण जौहर की पिक्चर में देख लिया इसने। दिस इज द वर्क लोकेशन फॉर द डे, फटाफट वेसल के ऊपर चलते हैं। अभी 3 घंटे तक यहाँ पे अपने लायक कुछ काम नहीं है, तो अपने जा रहे हैं ड्राई कार्गो हिमांशु के पास। ये है वेसल साइड की सिचुएशन। टाइम हो रहा है 4:10 और फाइनली मैं अपने काम से फ्री हो गया हूँ। अब जा रहे हैं हिमांशु के पास ड्राई कार्गो। चैन थोड़ी ना इनको, बादशाह खड़ा हुआ आगे। बादशाह रोज पेटल्स पड़े हैं बेड पे यार। मैं कहा यार बढ़िया यार कोई बात नहीं। बस मैं कह रहा हूँ जिंदा ना रहे वो, मरवा दी। मेरी नहीं है वो, गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7, हम लोग अभी निकले हैं मुंद्रा के लिए, आधा घंटा जैसा लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते में रिकवर कर लेंगे। बाकी भाई डैड को रेस्ट दे दिया है, अब उम्मीद करता हूँ वो रेस्ट करें, ऐसा ना हो कि घर में उधम मचाए। चलो रास्ते में बात करते हैं। तेरे को बोलना है आज प्लांट से पानी भी डालना है, छत वाले करेगा वो सब कुछ करेगा। और आप लोग तो आज संडे मना रहे हैं, और देखो हम संडे के दिन पोर्ट में भाग रहे हैं। सो जिसको लगता है शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, यस बहुत पैसा है, और जिसको लगता है कि भाई हमारी लाइफ आप लोग से बेटर है, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, बट ये है सुबह संडे सुबह अपने पोर्ट के लिए निकल गए हैं। 8:30 बजे से 8-8:30 बजे से काम मोटा मोटा चालू हो जाएगा। कोई ना यार, ये लाइफ भी एंजॉय करने लायक है, और तो क्या बोले। दिस इज द वर्क लोकेशन फॉर द डे, फटाफट वेसल के ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये है वो कार्गो जिसके लिए हम आए हैं वेसल साइड। हिमांशु को ड्राई कार्गो ड्रॉप कर दिया है, 8:30 बजे इधर आना था, अपन मोटा मोटा 8:40 जैसा पहुंचे। भाई गाड़ी खड़ी करने में बड़ी दिक्कत हुई है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
कारों का डिस्चार्ज तो हो गया, अब जा रहे हैं जेटी साइड, देखते हैं क्या सिचुएशन है। टाइम हो रहा है 10:30, अभी 3 घंटे तक यहाँ पे अपने लायक कुछ काम नहीं है, तो अपने जा रहे हैं ड्राई कार्गो हिमांशु के पास। तो वही कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे इधर ऑपरेशन स्टार्ट होते होते, हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, वीडियो एडिट कर देंगे, अपलोड कर देंगे, उसके अलावा चाय पानी नाश्ता भी कर लेते हैं। बैंड बच गई यार, 74 स्टेयर्स थे वेसल के लिए, मतलब 74 स्टेयर्स चढ़ना और उतरना, इतने में हवा निकल गई, ऊपर से थोड़ा गर्म और ह्यूमिड भी है, कोई ना चलता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये है वेसल साइड की सिचुएशन, दोपहर के 2 और अपन आ गए वापस से अपने वेसल साइड, यहाँ से मोटा मोटा 2 घंटे में फ्री हो जाना चाहिए अपने को, फिर अपन वापस जाएंगे ड्राई कार्गो। अपन आ गए वेसल के ऊपर और 2-3 घंटे में वेसल की सेलिंग है, तो बस एक लोडिंग ऑपरेशंस कंप्लीट होगा, हम लोग अपने सर्टिफिकेट्स बनाएंगे और फटाफट इस वेसल से नीचे उतर जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास। टाइम हो रहा है 4:10 और फाइनली मैं अपने काम से फ्री हो गया हूँ, अब जा रहा है हिमांशु के पास ड्राई कार्गो, उधर पहुँचते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। क्या गर्मी पड़ रही है यार, फटी पड़ी है। ये तुम्हारे लिए बकुला लाते थे। सब सो रहे थे ना भैया, मेरा था ना ऊपर कहाँ से पेप्सी मिल। चैन थोड़ी ना, इनको बादशाह खड़ा हुआ आगे, बादशाह आफरीन और 4-5 नाम लिखवा ले, गुडविल। एक घंटा काका मैं सुबह वेसल पे आया, मेरे को जो जो बंदा मिला कह रहा है अरे हिमांशु भाई आप जल्दी आ गए, मगर क्यों नहीं आना चाहिए था, कह रहा नहीं आप आते हो। टाइम हो रहा है 8:30, हम रुके थे वडाला पे चाय पानी करने के लिए, चाय पानी कर ली है, अब निकल रहे घर के लिए, होपफुली 1 घंटा लगेगा यहाँ से, थक गए हैं लेकिन क्या करें भैया ऐसा ही है। Thank you.